तो सबसे पहले हम कटिंग स्टार्ट कर लेंगे। प्याज को छोटा छोटा काट लेंगे और दलिया को हमने काट लिया। आज हम बनाएंगे कीमा गोभी, ये मेरी अम्मी आज बनाएंगे। ये हम टमाटर को छोटा छोटा काट लेंगे। इससे पहले अम्मी ने अच्छी तरह से धो लिए। कीमे और गोभी का मज़ा ही कुछ और है। और उसके साथ हम बनाएंगे मिर्च वाली चटनी या सिर्फ रायता, या हम रायता बनाएंगे। अब हम छोटा छोटा करके मिर्च को काट देंगे। ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, हम तो बस एक डालेंगे क्योंकि ये अच्छी बड़ी तेज़ होती है। बस ऑयल डाल देंगे। अब चला जाएगा इसमें हमारे प्याज, इसको हम थोड़ा सा सोते करेंगे पिंकिश लाइट ब्राउनिश टाइप। उसके बाद जाएंगे बाकी की चीज़ें, तब तक हम गोभी काट लेंगे। और ये हम टमाटर डालेंगे और साथ में हरी मिर्ची भी। हाँ ये बाद में डालेंगे, हमें मिक्स करेंगे, ये ज़रा भुन जाए, उसके बाद हम कीमा डालेंगे। गोभी को हमें छोटा छोटा खा लिया और ये जाएगा लहसुन पाउडर में, मिक्स कर देंगे हम जबरदस्त। डाल देंगे कीमा, इसमें हम बुन लेंगे। हमारा कीमा बुन रहा है, यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। बस अब हम ये कीमा हमारा मजे का बुन गया और ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे गोभी और गोभी वाला वाटर, जबरदस्त। अब इसमें हम डाल देंगे गोभी। बस ये हो गया हमारा काम। अब इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे इसमें पाँच से आठ मिनट। अब हमने दलिया डाल दिए और बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे।